13 सितंबर 1848 वेरमाउंट शहर में रहने वाले एक आम आदमी जिनका नाम था फिनियस गेज। फिनियस गेज करीब 25 साल के थे और वो एक रेल रोड कंस्ट्रक्टर थे। अब वो काफी खुश रहने वाले और अच्छे दिल के इंसान थे, जिसके वजह से उनकी कंस्ट्रक्शन ग्रुप में मौजूद सभी लोग उनको काफी पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने ग्रुप में मौजूद सभी का ध्यान रखते थे। अब रोज की तरह ही फिनियस अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जाते हैं, जिसमें उन्हें काफी ऊंची पहाड़ी चट्टानों की सफाई करनी थी, और उनका ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें उस चट्टानी जमीन के अंदर काफी गहरा एक छेद करना होता था, और उस छेद में बारूद और एक काफी लंबी और भारी रॉड डाल के उस छेद को रेती से ढक देना था, जिसके बाद वो और उनकी ग्रुप छेद से दूर जाकर उस बारूद में विस्फोट करते थे। और इस काम के लिए उन्हें बेहद ही सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि अगर बारूद ग्रुप में मौजूद किसी भी इंसान के आसपास फट गया तो वो उस इंसान को गंभीर चोटें पहुंचा सकता था। लेकिन उस दिन उन चट्टानों पर फिनियस गेज से कुछ ऐसी ही एक गलती होने वाली थी। अब होता क्या है कि जब फिनियस गेज चट्टान में एक छेद कर उसमें बारूद डालते हैं, तो वो उस छेद को बंद करना भूल जाते हैं, जिसके चलते गलती से उनकी वो 40 इंच लंबी और 13 पाउंड तक की भारी आयरन रॉड उस छेद में मौजूद बारूद से टकरा जाती है, जिसके टकराते ही चिंगारी पैदा होती है और वो बारूद फट जाता है। और उस विस्फोट के होते ही वो लंबी और भारी रॉड छेद से निकलकर सीधा फिनियस गेज के चेहरे की तरफ उनके लेफ्ट गाल से होते हुए उनके खोपड़ी में एक छेद करते हुए बाहर निकल जाती है। सोचो, वो इतनी लंबी और भारी रॉड फिनियस गेज के खोपड़ी को निकल के पार हो गई। फिनियस गेज दर्द के मारे चिल्लाना शुरू करते हैं, लेकिन वो जिंदा थे। और सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर फिनियस के पास आते हैं। सभी को लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर सभी चौंक चुके थे। अब जल्दी से फिनियस को उठाकर उनके घर की तरफ लेकर जाया जाता है। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसे इंसिडेंट के कुछ देर बाद ही फिनियस अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। मतलब ऐसे हादसे के बाद तो उन्हें बेहोशी रहना था। घर पर पहुंचते ही डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, और डॉक्टर्स भी फिनियस की ऐसी हालत देखकर चौंक चुके थे। डॉक्टर्स को देखते ही फिनियस हंसते हुए ये कहते हैं कि डॉक्टर्स, आज तो आपके पास करने के लिए बहुत काम है। अब डॉक्टर्स उनका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन इस सब के बाद फिनियस सदमे में नहीं थे, बल्कि उनका रंग ढंग बिल्कुल बदल चुका था। वो कभी रोते थे, कभी हंसते थे, डॉक्टर्स पर चिल्लाते थे, और बिल्कुल ही चिड़चिड़े हो चुके थे। अब उनकी ऐसी हालत देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द एक पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, और फिनियस हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर भी डॉक्टर फिनियस को देखकर यही सोच रहे थे कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे है। डॉक्टर्स ने बताया कि फिनियस खून के उल्टियां कर रहे थे, और उनकी खोपड़ी में उनके दिमाग के छोटे छोटे अंश नजर आ रहे थे। डॉक्टर्स ने फिनियस का इलाज शुरू किया और हड्डी के टुकड़ों और जमे हुए खून को साफ करके उनकी पट्टी कर दी। अब इस इलाज के बाद अभी तक तो फिनियस ठीक थे, लेकिन करीब 13 दिनों बाद डॉक्टर्स ने देखा कि फिनियस के सर पे मौजूद उस घाव में फंगी आना शुरू हो चुकी थी, यानी एक फंगल इन्फेक्शन, जो सिर्फ एक सर्जरी से ही ठीक हो सकती थी। लेकिन सर्जरी शुरू होने के पहले ही करीब 13 दिनों बाद फिनियस कोमा में चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको कोमा से भी होश आ गया। होश में आने के बाद फिनियस को काफी सारे ट्रीटमेंट्स और दवाइयां दी गई, जिससे उनके तबीयत में काफी सुधार आया। लेकिन कोमा से उठने के बाद फिनियस अपनी लेफ्ट आई को खो चुके थे। लेकिन आखिर फिनियस के साथ हो क्या रहा था? इतनी खतरनाक दुर्घटना के बाद भी फिनियस जिंदा बचे थे, अपने पैरों पर चल भी रहे थे, और कोमा से भी होश में आ चुके थे। वेल, इन सब के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिनियस का इलाज करने वाले एक डॉक्टर, जिनका नाम था जॉन मार्टिन, उन्होंने फिनियस के बारे में कहा कि फिनियस अब अस्थिर और अपमानजनक हो चुके थे। वो अपने साथियों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी खुश और मनमौजी रहते थे। वो अपने इमोशन से कंट्रोल खो चुके थे और हर किसी पर चिल्लाने लगे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि फिनियस के दिमाग के लेफ्ट साइड का हिस्सा काफी डैमेज हो चुका है, वही हिस्सा जहाँ से वो रॉड गुजरी थी। बचे हुए ट्रीटमेंट के करीब 10 हफ्तों बाद फिनियस अपने घर वापस गए, लेकिन घर आकर भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अब घर पहुंचते ही कोई भी फिनियस से बात नहीं करता था, और सभी लोग फिनियस को पागल समझते थे। उनके अपने वर्कर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, और सबका यही कहना था कि फिनियस अब फिनियस नहीं रहे। इसकी वजह से फिनियस को उनके कंस्ट्रक्शन के काम से भी निकाल दिया गया था, वही काम जिसे वो बहुत खुशी और मेहनत से करते थे। अब फिनियस ने नया काम ढूंढना शुरू किया, और उन्होंने म्यूजियम और ड्राइविंग कोचेस में भी काम किया, लेकिन अब इन सब में उन्हें कोई मतलब नहीं लग रहा था, जिससे परेशान होकर वो 1859 में सैन फ्रांसिस्को अपने मॉम के घर रहने चले गए। लेकिन यहाँ पहुंचकर फिनियस की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें बार बार सीजर्स यानी दौड़े पड़ने लगे थे, और उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगी थी।
जिसकी वजह से 21 मई 1860 को फिनियस गेज ने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी मौत से उनकी ये कहानी खत्म नहीं हो जाती। अब फिनियस की ऐसी अजीब हालत के पीछे था उनका दिमाग। फिनियस के दिमाग के जिस हिस्से से वो रॉट गई थी उस हिस्से को बोलते हैं फ्रंटल लोब, जो हिस्सा आपके दिमाग की कई सारी चीजें कंट्रोल करता है, जैसे कि सोचने की शक्ति, खुद को कंट्रोल करने की शक्ति, सोशल स्किल्स यानी दूसरों से कैसे बात करनी है, शरीर के मूवमेंट्स, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी खुद की पर्सनैलिटी और आपकी समझदारी। हाँ, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग का फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। और फिनियस के दिमाग का यही हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका था। दिमाग में मौजूद लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस के मैसेजेस को फ्रंटल लोब तक पहुंचाता है, जिससे हमारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं। अब उस रॉड के गुजरने के बाद फिनियस के दिमाग का लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल लोब आपस में डिसकनेक्ट हो चुके थे, जिसके कारण फिनियस का लिम्बिक सिस्टम फ्री टू फायर था। यानी वो एक साथ कई सारे इमोशंस के मैसेजेस को फायर कर रहा था, लेकिन वो मैसेजेस फ्रंटल लोब तक नहीं पहुंच रहे थे, जिसके कारण फिनियस कभी खुश रहते थे तो कभी दुखी तो कभी चिड़चिड़े। और इसी फ्रंटल लोब के तबाह होने की वजह से फिनियस की ऐसी पागलों जैसी हालत हुई थी, जैसे कि दूसरों पर चिल्लाना, खुद को ना जान पाना, जिस कारण वो खुद की पर्सनैलिटी को ही भूल चुके थे कि वो कौन थे। तो अब सवाल आता है कि आखिर इतनी लंबी और भारी रॉड दिमाग में घुसने के बाद भी फिनियस के जिंदा कैसे बचे? वेल, इसके बारे में भी कई सारे रिसर्च सामने आए हैं, जैसे कि फिनियस के खोपड़ी के थ्रू उस रॉड के निकलने का रास्ता, क्योंकि वो रॉड उनके दिमाग के फ्रंटल लोब से तो गुजरी थी, लेकिन अगर वो रॉड उनके खोपड़ी के किसी और हिस्से जैसे कि टेरिगॉइड या फिर कैवर्नस के थ्रू गुजरती तो फिनियस गेज की तुरंत ही मौत पक्की थी। और यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि 2022 में भी ऐसा ही एक फिनियस जैसा केस सामने आया था, जिसमें करीब एक 60 साल के इंसान की खोपड़ी में एक काफी लंबी रॉड घुस गई थी, उस वक्त जब वो अपनी गाड़ी की मरम्मत कर रहे थे। रिसर्चर्स ने जब उनकी स्टडी की तो ये बताया कि उस रॉड के घुसने की वजह से उस इंसान के दिमाग का राइट हेमिस्फीयर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि उस इंसिडेंट के बाद उस इंसान के दिमाग ने अपने न्यूरॉन्स को वापस से रीवायर करना शुरू कर दिया था और उनके दिमाग ने अपना काम जारी रखा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वजह से दिमाग का हिपोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिपोकैम्पस का काम संभाल सकता है, यानी किसी भी डैमेज के बाद ब्रेन खुद को रिपेयर कर सकता है, जिसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसी दिमागी एबिलिटी की वजह से वो इंसान भी जिंदा बचे थे और फिनियस गेज भी जिंदा बचे थे। डॉक्टर हेल्लो की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि असल में ये बताना तो मुश्किल था कि आखिर फिनियस गेज का दिमाग डैमेज किस तरह से हुआ था, यानी उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन ये तो क्लियर था कि फिनियस के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डैमेज होने की वजह से उनके व्यवहार में इतना बदलाव आया था। 1994 की एक रिसर्च के चलते रिसर्चर्स ने न्यूरो इमेजिंग की टेक्निक के मदद से फिनियस के स्कल का एक 3D मॉडल बनाया और उनकी इंजरी को समझने की कोशिश की। लेकिन इस स्टडी में रिसर्चर्स ने बताया कि फिनियस के दिमाग का बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही डैमेज हो चुके थे, जिनके डैमेज होने की वजह से फिनियस को इमोशंस और डिसीजन प्रोसेसिंग में काफी मुश्किलें होती थी। लेकिन 2004 की एक और स्टडी के चलते रिसर्चर्स ने कंप्यूटर की मदद से फिनियस के दिमाग का एक 3D मॉडल बनाया। लेकिन इस स्टडी में तो ये पता चला कि फिनियस के दिमाग की इंजरी उनके दिमाग के लेफ्ट साइड तक ही सीमित थी। और 2012 की एक स्टडी में पता चला कि उनके दिमाग में उस आयरन रॉड के घुसने की वजह से उनके दिमाग का करीब 11% व्हाइट मैटर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का करीब 4% व्हाइट मैटर बिल्कुल तबाह हो चुका था। व्हाइट मैटर दिमाग में मौजूद एक टिश्यू की तरह होता है, जो दिमाग में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मदद करता है और दिमाग के कई हिस्सों को साथ में जोड़ता है। लेकिन कुछ और स्टडी में ये पता चला कि उस इंसिडेंट के बाद फिनियस गेज पहले से और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। लेकिन फिनियस गेज का नाम हिस्ट्री के सिर्फ एक इंसिडेंट में नहीं गिना जाता, क्योंकि उनका ये केस न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। फिनियस के इस दिमागी केस ने साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को और भी बेहतर समझने में मदद की, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद फिनियस के साथ होने वाले जो चेंजेस देखे गए थे वो बताते हैं कि हमारा दिमाग पर्सनैलिटी और इमोशंस को प्रोसेस करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि आपने देखा, इस दिमागी चोट के बाद फिनियस इस तरह से बदल चुके थे कि वो खुद को ही भूल चुके थे कि आखिर वो थे कौन। और असल में फिनियस गेज के इस केस के बाद ही ये प्रूव हुआ कि फ्रंटल लोब हमारी पर्सनैलिटी और हमारी पहचान को बनाने का काम करता है कि हम कौन है। फिनियस गेज की मौत के बाद जॉन हार्डलो ने
फिनियस का स्कल और वो रॉड जो उनकी खोपड़ी से गुजरी थी, उन दोनों को ही वैरन एनाटॉमिकल म्यूजियम को डोनेट कर दिया, जो आज भी उसी म्यूजियम में मौजूद है। तो आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि हमारा दिमाग भी कितनी रहस्यमयी चीज है, और जिस तरह हम इस ब्रह्मांड को समझते हैं उसी तरह हमें अपने दिमाग को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का ही तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेल, अगर आपको ऐसे ही और साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।